आप किसके रिलेटिव हैं? श्रेया यादव का चाचा। अच्छा, आपको क्या पता चला है और क्या आपका कहना है? मुझे कल न्यूज़ से पता चला कि राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया और बच्चे बस रहे हैं, इसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद आया कि किसी बच्चे की कैजुअलिटी नहीं हो गई, गर्ल्स स्टूडेंट हो। फिर थोड़ी देर बाद आया कि दो गर्ल्स भी हो गई, एक बच्चे की भी हो गई, तीन कैजुअल और बाकी कुछ लोग फंसे भी हो सकते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात 12 बजे की बात, तो चूँकि एडमिशन मैंने कराया था मुझे पता था कि कोचिंग वही है। फिर मैंने कोचिंग वाले को अप्रोच किया, एक को नंबर मिला उसको मिला नहीं, जो लाइब्रेरी में बैठता था। फिर एक दूसरा है उनको मिलाया तो उनसे मैंने पूछा कि जो ये घटना हुई है क्या आपके वाले सेंटर की है? बोले हाँ हमारे सेंटर की है। तो मैंने कहा कि मैंने अपने भतीजे का फोन कराया था श्रेया, तो क्या वो भी है उसमें? बोले नहीं, अभी ऐसा तो हम नहीं बता पाएंगे और जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाएगी फिर हम आपको बता देंगे। तो फिर मैं सोचा कि यहाँ बैठ कोई फ़ायदा नहीं, यही गाजियाबाद में रहता पाई। वहाँ से मैं सीधा आ गया 1 बजे लगभग यहाँ कोचिंग सेंटर पर। वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी, वहाँ मुझे पूछना बताना बड़ा संभव नहीं लग रहा था। तो मैं सीधा पीजी में चला गया। तो पीजी में गया तो वहाँ मेरा कमरा बंद था और फोन उसका पहले से नहीं मिल रहा था। तब मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगा कि रात को 1 बजे रहे हैं, फ़ोन मिल नहीं रहा है, पीजी में है नहीं और यहाँ पर कोचिंग में ऐसा हुआ है, बता दीजिए मैं घर पर फोन करके। फिर मेरे दिमाग में पाया कि हो सकता है फ़ोन उसका मिस हो गया हो, तो फिर वहाँ पीजी में होना चाहिए। तो फिर उसके बाद वापस आके मैंने हिंट किया कि श्रेया यादव है, वो शायद लगता है उसमें शामिल है। तो आप एक बार जाकर आर एम एल में कर दो। तो कई बजे यहाँ आ गया, तो मोस्टली में आगे जब देखा तो कागज़ देखने को नहीं दिया, बोले कि कोई पुलिस के जरिए देखने नहीं दिया, कागज़ में उसका नाम था श्रेया का। श्रेया कब से तैयारी कर रही थी? अभी मई में एडमिशन कराया था मैंने। कहाँ की रहने वाली है? हम लोग मूलतः अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। मेरे भाई साहब और भाभी और उनका परिवार अम्बेडकर नगर में रहता है। अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहीं रहता है। क्या करते हैं? खेती करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ गाजीबाद में रहता हूँ। और ये कब से मतलब इन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह क्या? ग्रेजुएशन इसने किनारे सुल्तानपुर से किया था। अच्छा, इसी साल पूरा हुआ था। तो तो ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ आपको ये क्या लगा, इसमें क्या है, आपको क्या मानना है? नहीं, आपके इंसिडेंट का है कि डिजास्टर तो है ही है, अब उसको रोका जा सकता था। ये जिम्मेदारी कोचिंग की है। अब जैसे मान लीजिए आप ऐसी जगह पे कोई चीज़ बना रहे हो जहाँ पे फ्लड आ सकता है, फ्लड को रोकने का क्या इंतजाम है? अगर आप शीशे की दीवार बनाएंगे जब फ्लड नहीं जाएगा तो सूख ही जाएगा। अच्छा, ये भी था कि वहाँ पर बायोमेट्रिक फेल हो गया था जिस वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पाए? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं, बायोमेट्रिक का क्या हुआ? बायोमेट्रिक एंट्री थी और इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गई थी, तो फिर से उससे बात नहीं थी ऐसा कुछ? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब मैं गया था तो मौके नहीं था वो बायोमेट्रिक बाद। आप अंदर नीचे तक गए थे? मैं जब एडमिशन करा था गया था लाइब्रेरी। अच्छा, थैंक यू।